आज अपन बनाएंगे दही और मटर की सब्जी, एक नए अंदाज में बनाएंगे देसी रेसिपी। बनाने के लिए मैंने एक पाव मटर लिए हैं, दो तीन हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ा धनिया लिया है और एक पाव दही यूज करेंगे। और एक टमाटर बड़े बड़े पीस में काट के रख लिया है। एक कप बेसन लेंगे और एक तेज पत्ता लेंगे और थोड़ा गरम मसाला लेंगे और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और घर के मसाले यूज करेंगे। बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख लिया है, इसमें थोड़ा राई डाला है। अब अपन इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगा, तीन हरी मिर्च लिए हैं मैंने, वो हरी मिर्च ऐसे ही इसमें छोड़ देंगे। थोड़ा हरी मिर्च को फ्राई होने देंगे। हरी मिर्च फ्राई हो गई है, अब इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। पेस्ट को अच्छी तरह से भुनेंगे, इसमें मटर भी डाल देंगे। एक पाव मटर लिया था मैंने, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक कप बेसन लिया था, वो भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दही मटरी का मेन टेस्ट बेसन से ही आता है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। मटर हल्के हल्के भुन गए हैं, बेसन भी पक गया है। अब अपन इसमें एक चम्मच धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च डाली है मैंने, आप तीखा खाते तो दो चम्मच भी डाल सकते हैं। आवश्यकता अनुसार नमक डालेंगे। मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। अब थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि अपन को पहले मिर्ची को पकाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। रेसिपी चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा और अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा। अब इसमें एक पाव दही डाल देंगे,
बहुत ही टेस्टी दही मटर की सब्जी बनेगी। इसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे, पूरा लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्जी बनेगी, खाएंगे तो आप खाते रह जाएंगे। जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, कितना पतला रखना उतना पानी ये टाइम पे डाल दीजिएगा। गाढ़ा पसंद है तो गाढ़ी रख लीजिएगा, पतली पसंद है तो पतली रख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा कलर आया है। मैंने टमाटर काट के रखा था, एक टमाटर बड़े बड़े पीस में, वो अपन इसमें छोड़ देंगे। टमाटर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी अपन इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे, बारीक करके डालेंगे। कस्तूरी मेथी भी मैंने डाल दी है पूरी बारीक करके। वीडियो में लंबा बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा रेसिपी एकदम समझ में आ जाए। बार बार मैं वीडियो कट करूँगा तो आपको रेसिपी समझ में नहीं आएगी। अब इसको करीब 4 मिनट पकाना है। 4 मिनट के बाद सब्जी पक के रेडी हो जाएगी। पकाते हुए 4 मिनट हो गया है, फाइनली सब्जी खाने के लिए रेडी हो गई है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। धनिया डाल दिया है, सब्जी खाने के लिए रेडी है। घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो।